बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, अपराध किया स्वीकार। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंत्री धन सिंह रावत को घेरा, आरोप लगाकर सीएम धामी को दिया अल्टीमेटम। जाति जोड़ो अभियान को अब नए सिरे से मजबूती देगा संघ, प्रांत प्रचारकों की बैठक में घर घर संपर्क पर जोर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल, मॉक ड्रिल के बाद होगा डिनर। केसीआर समय से पहले करा सकते हैं तेलंगाना में चुनाव, भाजपा ने भी बदली अपनी रणनीति। संसद का मानसून सत्र कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच किया जाएगा आयोजित, सामाजिक दूरी और सुरक्षा मानदंडों का रखा जाएगा ख्याल। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लहराएंगे चीन के बने पॉलिएस्टर तिरंगे, कांग्रेस बोली ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला। नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर 3 आरोपियों ने किया था गैंगरेप, सीबीआई ने बंगाल सामूहिक बलात्कार मामले में दाखिल किया आरोप पत्र। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं बनने देने का फैसला किया। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने दोनों के शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।